14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल मुंबई में समापन हो गया। इस मौके पर इंडिया गठबंधन ने मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार और पीडीपी समेत इंडिया गठबंधन के कई दल शामिल हुए। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि मैं सिस्टम समझता हूं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी मुझसे डरते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार पर निशाना लगाया उन्होंने और कहा कि बिहार में हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। उन्होंने कहा समय आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर संविधान बचाएं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा मोदी सरकार इसलिए 400 पार चाहती है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, आपके वोट के अधिकार को छीनना चाहती। तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे, लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे मेरा। ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर, मुझे पता है क्या बोलता है, कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं, आप यह मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप यह मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं, ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुनील ने शिवाजी पार्क से दी है, देखिए। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ, यहाँ पर एक बड़ी और विशाल सभा रखी गई थी जिसका नाम दिया गया था भारत जोड़ो न्याय मंजिल, यानी ये मणिपुर से शुरू हुई थी 16 जनवरी 2024 को और लगभग 60 दिन बाद इसका समापन हुआ। और इस अवसर का फ़ायदा इंडिया अलायंस ने उठाया अपनी ताकत दिखाने के लिए। देश में चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, तारीखों की घोषणा की और इंडिया अलायंस को मौका मिल गया, यानी कि विपक्ष को मौका मिल गया अपनी ताकत दिखाने के लिए। और यहाँ पर एक शंखनाद करने का, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ और मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव में एक बुगल बजाने का, उन्हें यहाँ से एक संदेश देने का अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लड़ने की ज़रूरत है। बड़ी बात यह रही कि इस बड़े से मंच पर देश में विपक्ष के ज़्यादातर सभी बड़े नेता पहुँचे, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो थे ही, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, लेकिन साथ में शरद पवार भी थे, एनसीपी शरदचंद पवार के अध्यक्ष, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर मौजूद थे, कश्मीर से महबूबा मुफ्ती भी आई थी तो फारूक अब्दुल्ला भी आए हुए थे, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज थे, तो बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव थे, हाँ अखिलेश यादव भले नहीं आ पाए, लेकिन तमिलनाडु से एमके स्टालिन यहाँ पर आए हुए थे और लगभग सभी विपक्षी दल जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में हैं, एक ममता बनर्जी को फिलहाल छोड़ दे तो बाकी सभी दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और सभी ने एक सुर में यही बात कही कि जो मौजूदा सरकार है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उन एजेंसियों से लोगों को डरा रही है, तोड़ रही है और उनको अपने पाले में ले रही है, लेकिन हमें डरना नहीं है और ये जो कोशिश हो रही है ये संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। खास करके उनका कहना था कि वो 400 पार जो लाने की बात करें तो उसका मकसद ये है कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं, तो हमें संविधान को बचाना है, इसीलिए सभी को लड़ना है, डरना नहीं है और बड़ी संख्या में वोट डालना है। यहाँ पर जो गरीबी,
महंगाई बेरोजगारी का तो मुद्दा उठा ही, लेकिन चूंकि चुनाव है और चुनाव ईवीएम से होना है तो ईवीएम पर भी एक तरह से हमला बोला गया और ये कहा गया कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो आत्मा है वो ईवीएम मशीन में रहती है। ये तेजस्वी यादव ने कहा जिस तरह से राजा की आत्मा रहती है तो हमें ईवीएम मशीन को हराना है और कोशिश ये है, और इसीलिए अगर ईवीएम मशीन को तभी हराया जा सकता है जबकि बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। राहुल गांधी ने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि यात्रा क्यों करनी पड़ी ये भी उन्होंने बताया, और जो बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक शक्ति के खिलाफ है, वो शक्ति जो इस समय देश में सभी को जो भी बोलना चाह रहे हैं उनको उनका बोलने नहीं दे रही है, उनको डरा रही है, जेल में भेज रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं जो है कि उस शक्ति के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और एक मंच से सभी ने लगभग यही बातें कही। उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जैसे नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, तो हम यहाँ से मुंबई से नारा देते हैं कि अब की बार बीजेपी तड़ी पार का उन्होंने नारा दिया, और सब ने यही कहा कि मुंबई वो धरती है जहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, तो अब यहाँ से बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा यहाँ से दिया जा रहा है और इसका असर होगा। और अगर सब लोग जिस तरह से एक मंच पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जनता का साथ मिला और सभी लोग ने बिना डरे लड़ें और वोट दें तो इस बीजेपी को हराया जा सकता है, और बीजेपी को हराने के मकसद से, देश को बचाने के मकसद से, लोकतंत्र बचाने के मकसद से, संविधान को बचाने के मकसद से लोगों ने यहाँ पर एक तरह से शपथ ली कि सभी लड़ेंगे, क्योंकि डर यह है उनको जो उनका दावा है विपक्ष का कि जो बीजेपी चाहती है कि देश अगर इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आ गई तो देश में फिर संविधान नहीं बचेगा, फिर आगे कभी वोट नहीं देने का मौका मिलेगा और ये हमेशा से सत्ता में बने रहेंगे, जैसा कि चीन और रूस का उदाहरण दिया गया। इसीलिए सब ने एक ही बात कही कि हमें इस चुनाव में डरना नहीं है, लड़ना है, बड़ी संख्या में वोट करना है और वोट करके बीजेपी को परास्त करना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।